कुछ लोगों का जैसे मत कहते हैं कि शायद वेद व्यास जी ने ही पुराण लिखे, इससे पहले पुराण नहीं थे। ऐसा नहीं, पुराण पुरातन है, पुराण पुरातन है, ये पहले भी थे, वेद व्यास जी से भी पहले थे। और ये वेद व्यास इत्यादि जितने भी ये कला अवतार भगवान के अंशावतार हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं आगे चल के आप सुनेंगे, उनके भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मूर्ति की प्रतिष्ठा आपने की, हमारे ये जो बाबा आप देखते हैं बा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो आज ये परिवार इस श्रीमद् भागवत का मुख्य यजमान बना हुआ है, शारदा परिवार, बाबा संगम दास जी परिवार, इस परिवार ने ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई और मूर्ति को इन बच्चों ने यहाँ पधरवाया। ये अपनी सेवा अपने ठाकुर जी की यहाँ निरंतर करते रहते। पहले कथा इन्हीं के नाम से होनी थी, पर हमारे आश्रम में एक हमारी सुश्री मालती गोवलकर जी रहती थी, तो उनकी ये इच्छा थी कि महाराज पहली बार आपका आश्रम का उद्घाटन हो रहा है, मैं पता नहीं मेरा शरीर साथ देगा कि नहीं, पहले भागवत मेरे माध्यम से आप होनी चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, उनके माध्यम से। द्वितीय कथा का जब वार्षिक उतार तब इस परिवार का था, लेकिन इनके परिवार में एक दुर्घटना हो गई, उसके कारण इनको पीछे फिर इनके चाचा श्री श्री वेद सागर जी महाराज उनके माध्यम से कथा। अब इस बार इन बच्चों को ये अवसर प्राप्त हुआ है, जो इनके माध्यम से इनके समस्त परिवार ने मिलकर ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई, उनको लेकर के आए। जैसे बांके बिहारी जी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, ये सारे जितने भी आप देखते हैं वृंदावन में, हम तो यही मान करके चलते हैं कि ठाकुर एक हैं, ठाकुर एक हैं, और उन्हीं के सारे ये स्वरूप सारे वृंदावन में विराजमान हैं। नाम भक्तों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार लिखे। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि विष्णु के केवल हजार ही नाम है। ऐसा नहीं, गोपाल जी का आप पाठ करते हैं गोपाल सहस्त्र नाम, तो आप सोचते होंगे गोपाल के हजार ही नाम है। नहीं, भगवान तो अनंत हैं, परमात्मा असीम हैं, अनंत हैं, उनका कोई आरा पार नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं। तो जिसकी कोई सीमा नहीं, जो अनंत है, तो उसके नाम भी अनंत हैं। ये तो हम लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया कि आप हजार नाम भी अगर जप लोगे दिन में तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम जीव हैं और हम लोगों में ये धर्म है सोना, जाग जाना, भूख लगना, थक जाना, फुर्ती आ जाना। तो परमात्मा तो गुणातीत हैं, उनमें ये कुछ नहीं है जो हम में, लेकिन हम भगवान को अपना जैसा मान लेते हैं, परमात्मा को अपना जैसा मान के चलते हैं। और परमात्मा इतने सरल हैं बेचारे, परमात्मा को हम कभी कभी बिचारे इसलिए कहते हैं कि जो जैसा कहता है ठाकुर हमारे वैसे हो जाते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा भी है कि हे पार्थ, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बड़ा सहज हूँ, मैं आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाता हूँ। तो पार्थ को ये अर्जुन को बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, और आप लोगों को भी ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी। नहीं तो भगवान को तो बड़ा कहना बड़ा क्लिष्ट है, वो माया में छिपे हुए हैं, वो मिलेंगे ही नहीं, जन्म जन्म मुनि चतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। बोले ऐसे राम हैं, और आप कहते हो कि हम मैं सरल हैं, बहुत सरल हूँ। तो भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा में भजाम्य हम। भगवान कहते हैं हाँ पार्थ, मैं जो कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ, इसीलिए भगवान को सत्य कहा गया है। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा कैसे हैं बोले सत्य हैं और परम हैं, स्वतंत्र हैं। भगवान सत्य ही बोलते हैं और परमात्मा सत्य ही है। तो उन्होंने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझे जैसा चाहता है बोले मैं वैसा हो जाता हूँ। ये बात और आम आदमी में नहीं मिल सकती, मुझ में नहीं मिल सकती, आप में नहीं, किसी में नहीं मिल सकती, जो भगवान में। भगवान कहता है जो जैसा चाहता है मैं वैसा हो जाता हूँ। बोले पार्थ ने बोला, बोले हाँ, कि बोले तुमने कहा कृष्ण मेरा रथ हाँको, मैंने रथ हाँकना शुरू किया तुम्हारा कि नहीं, तुमने कहा मेरे सारथी बन जाओ, बन गया। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी बुआ का लड़, तुम मेरी बुआ के लड़के हो। अरे मेरी बुआ तो शिषपाल की माँ भी है, मेरी बुआ तो शिषपाल की माँ भी है कि नहीं,
वो भी मेरा फुफेरा भाई है और तुम भी मेरी बुआ के लड़के हो। अब वो कल कहेगा शिषपाल कि मेरा रथा को, तो ऐसी बात नहीं है, मत समझो कृष्ण तुम। भगवान ने कहा कि जो भक्त जैसी भावना रखता है मैं वैसा हो जाता हूँ। कोई कहता है कि कृष्ण तुम मेरे पुत्र बन जाओ, भगवान कहते मैं उसका पुत्र बन गया, उसका प्रमाण है। देवकी का पुत्र बन गया, कौशल्या का पुत्र बना, यशोदा के यहाँ पुत्र बन करके रहा, उनका पुत्र बन करके रहा। और उनके देखो यशोदा की भक्ति बिल्कुल निश्चल है, वो भगवान कृष्ण को पुत्र ही मानती है, लेकिन देवकी और वसुदेव की भक्ति मिश्रित है। कभी उन्हें भगवान के स्वरूप देखते हैं भगवान तो वो संकोच कर जाते हैं, अरे इन परमात्मा को हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। और कभी जब भगवान की माया उन पर आश्रित हो जाती है तो वो कहती है मेरा पुत्र है कृष्ण। तो दोनों की भक्ति में अंतर है। तो भगवान इतने सरल हैं, कोई कहता है कि तुम मेरे पति बन जाओ। कुब्जा ने कहा कि प्रभु मैं आपको चाहती हूँ, तब सुपर्ण खां के रूप में चाहा था, तब तो तुमने मेरी नाक काट के हटा दिया मुझे। और इसके प्रमाण है, गोपियों ने प्रमाण दिया है गोपी गीत इत्यादि में, भ्रमर गीत में गोपियों ने इसका प्रमाण दिया है। भ्रमर गीत में जब उद्धव संदेश लेकर गोपी का उनका आए थे कृष्ण का, और वहाँ गोपियाँ जब बैठी उद्धव के सामने तो उन्होंने भ्रमरे को देखा और गोपियों को लगा कि ये भी काला, कृष्ण भी काला है। उधो कारे हम सब अजमाए, अरे उद्धव तुम हमारे पास क्यों आए, एक कन्हैया था उसको हमने अजमा के देख लिया और तुम भी उसके दोस्त लगते हो, तुम भी कारे वो भी कारे, तो जितने काले तुम्हारा शरीर भी काला है और तुम्हारा मन भी काला है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तो गोपियों ने उस भ्रम को उसमें कहा कि वो कितने काले, उद्धव ने कहा सोचा होगा भौंरे से कहा वो इतने काले हैं, देखो उस बलि ने क्या बिगाड़ा था राम का, बताओ बलि ने क्या बिगाड़ा था। सुग्रीव से उसके भाई से मित्रता कर ली और उसकी मित्रता के चक्कर में उसके वृक्षों की ओट में करके उसको बलि को मार दिया, बाली को मार दिया, भगवान बताओ उस बाली ने क्या बिगाड़ा था। और कहा भी कावन कारण कवन नाथ मोय, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोय बारा, आपने मुझे किस कारण से बताई, मेरा कारण क्या है, मेरी त्रुटि क्या है, मेरी गलती। ठीक है राम पर उत्तर नहीं बना उस समय और अनेक प्रकार की धर्म की बातें कहकर उसको टाल दिया। और ये भी कहा कि अगर बलि तुम चाहते हो मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ, मैं अपना धाम दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो आपका इस समय दर्शन हो रहा है इससे बड़ी ये मुक्ति क्या हो सकती है, आपका धाम क्या हो सकता, मुझे तो बस आपके सामने आपका दर्शन हो रहा है इससे बड़ी। पर तो देखो वहाँ पर भी इन बातों को गोपियों ने कहा, सुपर्ण खाने क्या बिचारा बेचारा विवाह करने तो आई थी, वो चाहती थी कि तुम सब ऐसा कोई पुरुष नहीं है और मुझसे ऐसी कोई नारी नहीं है, आप मुझसे कोई बुरा काम, तो कैसे विवाह करने आई थी बिचारी, और रावण की बहन थी, अगर तुम विवाह कर लेते कितना दहेज देता रावण, स्वर्ण की लंका थी, उसका पुष्पक विमान था, क्या था, बहुत कुछ देता। ऐसे भाई घर को सब तलाशते हैं, लड़के वाले ऐसे घर को सब तलाशते हैं कि भाई ऐसा घर मिले जहाँ दहेज मिले, गाड़ी मिले, ये मिले, उसके पास तो पुष्पक में पता नहीं क्या क्या दे देता मेरा भाई। और सुपर्ण खा की तुमने और तो आगे विवाह नहीं करे हाँ, तो ना की तुमने काट दी, चलो कुछ नहीं उसको ऐसे ही कर देते, अब जिसकी नाक कटेगी उससे दूसरा विवाह नहीं कर सकता, बड़ा आपने इतना कुछ। तो ये गोपियों ने ताना मारा उनको कि भाई तुमने ऐसा ऐसा सब कुछ किया, ये सब किया। प्रेम से बोलो श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे श्याम। तो ये जो पुराण हैं आज से नहीं अनाद से चले आ रहे हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है। ये पुराण आज भी थे और उस काल में भी जब नहीं थे, तो ये जो आप देखते हैं अवतार होते रहते हैं, वेदव्यास जी आज भी नहीं पहले भी वेदव्यास रहे होंगे, कई व्यासों की कथाएं, स्वामी विवेकानंद ने इस बात को अपनी जीवनी में उद्धृत किया है कि व्यास एक ही नहीं कई व्यास हुए हैं इस जगत में। सुखदेव इत्यादों का वर्णन आता है, कई कई भागवत प्रवक्ता इस बात को कह देते हैं कि अंत में जाकर सुखदेव जी ने शादी कर ली थी। तो बहुत से श्रोता बेचारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, सुखदेव भी कई हुए हैं। और ये जो सुखदेव जो श्रीमद् भागवत वाले जो सुखदेव हैं
ये भगवान शिव की ही मन में ये भावना थी कि मैं भी सुखदेव बनकर भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार करूं। एक बार अग्निदेव भी महाराज भी सुखदेव बने हैं, एक बार इस प्रकार से पवन देव भी अग्नि बनकर के सुखदेव बनकर, ये तो भगवान के भक्त हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं और भगवान की सेवा करने के लिए ये कोई न कोई रूप धारण कर अपने स्वामी का प्रचार और प्रसार करके आनंदित होते हैं, उनका गुणगान करके इन्हें आनंद प्राप्त होता है। पर ये जो श्रीमद् भागवत वाले जी सुखदेव भगवान हैं, ये परम भक्त परम विरागी जैसे थे वैसे ही थे, ये भगवत आराधन करने वाले महापुरुष सुखदेव जी महाराज जी हैं। बोलिए श्री रय जय श्री राधे श्याम श्याम। तो श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण होने के कारण श्री वेदव्यास जी ने इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का ये इतना वर्णन किया। तो भगवान परम सहज हैं, उद्धव से भगवान ने कहा मैं सहज हूँ, जो जैसा चाहता है मैं वैसा ही स्वीकार कर लेता हूँ। बलि ने कहा कि महाराज मुझे रोज़ आपका दर्शन होना चाहिए, तो वो पहरेदार बन गए भगवान। तो भगवान ने जिसने जो स्वीकार किया वह भगवान बन जाते हैं। अब आप कल्पना करो, अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, अपने ऊपर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये चाहते हो कि तुम मेरे जैसे हो जाओ तब हमारी तुम्हारी पटेगी जीवन, सोचो अंदर से सोचो। हर व्यक्ति ये चाहता है तुम मेरे जैसे हो जाओ तब हमारी, और सामने वाला चाहता है तुम मेरे जैसे हो जाओ तब हमारी तुम्हारी पटेगी। तो समझौता करना पड़ता है, नहीं होता झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? गृहस्थ में देखो, कहीं भी आप देखो, पूरे विश्व में देखो, पूरे विश्व में आप देखिए, व्यक्ति सामने वाला ये चाहता है तुम मेरे जैसे हो जाओ तो मैं तुम्हारा हमारा प्रेम लेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नो, कोई चिंता मत, मैं तुम्हारा जैसा हो जाऊंगा। आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, ईश्वर से अच्छा और कोई इस जगत में हो सकता है जो ये कहता है कि नहीं तुम जो चाहोगे मैं वैसा हूं, और इतना सर्वशक्तिमान जो विश्व को चलाता है, जिसके कारण ही इस संसार की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, पालन होता है, उसी के इशारे से इस संसार का संहार हो जाता है, वो परम शक्ति परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान, वो कहता है कि नहीं प्यारे भक्त मेरे प्रेमी तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाऊंगा। इसलिए ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, उसे गला लगाना चाहिए, उसको धन्यवाद करना है। कमाल के हैं आप हैं, जो आपकी ऐसी अच्छी भावना है और आप इतने करुणाशील हैं कि जैसा भक्त चाहता है आप वैसे हो। तो भाई मैं तो इसलिए भगवान से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ कि भाई जैसा मैं चाहता हूँ हमारे प्यारे, आप चाहते हो कि आप उठ जाओ ठाकुर जी तो उठ जाते हैं कि नहीं? माताएं सो गई मानो और फिर अरे ठाकुर जी नहीं उठा, आप घंटी बजा ठाकुर जी उठ जाते हैं कि नहीं? जब तुम खिलाते हो तब खाते हैं बेचारे, बीच में भूखे पड़ कहीं आप चलेंगे इधर उधर और किसी को लगा गई सेवा में, मानो वो कहीं इधर उधर चला गया तो ठाकुर जी भूखे बैठे रहते हैं कि नहीं बैठे? ये अर्चा अवतार है, इसको क्या बोलते हैं? अर्चा अवतार। जो मूर्तियों की हम अर्चना करते हैं वो भगवान कैसे खिला दोगे तो खा लोगे, खा लेंगे, नहीं खिलाओगे तो बेचारे भूखे बैठे रहेंगे, आरती कर दोगे ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, वो बेचारे बैठे हुए। तो हमें संसार के लोगों से प्रिय, हमें हमारा प्यारा लगता है, हमें ईश्वर लगता है। संसार के लोगों में गांठें हैं, मुझ में भी गांठें हैं, लेकिन हमारे प्यारे में कोई गांठ नहीं है, उस ईश्वर में कोई ग्रंथि नहीं, उस ईश्वर में कोई भेद नहीं है, उस ईश्वर में कोई उसके हृदय में अंतर नहीं। अंतर्यामी पुरुष विधाते श्रद्धा मन के पूरे, ठाकुर जी तो ऐसे हैं तुम्हारे अंतर की बात को समझते हैं कि मेरा भक्त ये चाहता है वो बेचारे वैसे हुए। इतना सरल इतना सहज कोई संसार में है? वो है तो केवल एक ईश्वर है, परमात्मा है, हमारा ठाकुर है, जिसकी कथा सुनने के लिए हम श्री वृंदावन धाम में आए हैं, जिसकी कथा करने के लिए आपने हमको बिठाया है। तो हम सब मिलकर उस ठाकुर के गुणगान करें, उसके श्री चरणों में अपनी प्रार्थनाओं को निवेदित करें कि हे प्यारे हमारा भी मन ऐसा बनाओ कि हमारे हृदय की गंठियाँ सब खुल जावें, आप जैसा दिल हमारा भी हो जाए, आप जैसे स्वभाव हमारा भी हो जाए, आप जैसी वृत्ति हमारी भी हो जाए, जैसे और आपकी हो सकती है वृत्ति क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप हो सकते हैं ईश्वर जैसे, क्योंकि ईश्वर के आप अंश हैं। अरे भाई मिश्री का टुकड़ा, आपने मिश्री में से ही उसे निकाल लिया, अलग कर लिया, तो वो अलग होते हुए भी मिश्री ही है। वो उसमें मिश्री का ही मिठास है, मिश्री का ही आकार और प्रकार है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वैसे ही हम ईश्वर के अंश हैं, उसमें और उसमें हमें कोई अंतर नहीं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश हम कैसे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, जो अविनाशी परमात्मा है उसी के हम अविनाशी अंश हैं। जैसे वो चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि स्वरूप है, साक्षी है, दृष्टा है, नित्य है, चेतन है, शुद्ध है, मुक्त है, एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, अजोनी सहभंग है, ऐसा वो परम प्रभु परमात्मा। तो हम भी वैसे, केवल क्या करना है। अब आप पूछोगे महाराज हम कैसे हो सकते हैं। देखो इसका सीधा सा उदाहरण है कि अंगारे पर राख जम जाती है, अंगारे पर राख जम, इससे पहले धधकता हुआ अंगारा लाल गोला था और उसमें अग्नि का स्वरूप था, आप कोई भी चीज उससे स्पर्श करें वो जल जाती, लेकिन कुछ देर रखने के बाद उस पर राख जम गई। जब राख जम जाती है तो उसकी जो दाहकता है, ज्वलनशीलता की जो शक्ति है, वो उसकी कम हो जाती है, न्यून हो जाती है, वो नहीं जला पाता। तब कहते हैं आप, अरे अरे राख झाड़ो, इस पर से राख झाड़ दो, आप झड़कर, और जैसे ही राख आप झाड़ते हैं उसकी अग्नि की जो दाहकता प्रज्वलता वो तीव्र हो जाती है, आप कोई भी चीज़ उससे छुआते हैं स्पर्श करते हैं वो जल जाती है। बस यही करना है कि हमारी इस आत्मा पर जो जीव भाव जमा हुआ है, जीव भाव रूपी जो राख जमी, जीव भाव रूपी जो मल जमा हुआ है, उस जीव भाव को हमने झाड़ना है। और वो जीव रूप भाव कैसे जड़ेगा, सत्संग से। आप सत्संग श्रवण करेंगे, सत्संग में जो सत्य परमात्मा है उसके साथ संग करेंगे, और जो महात्मा हैं, संत हैं, उस परमात्मा के संगी हैं, प्रेमी हैं, और उन्होंने अपने प्रेमी के विषय में वो जानते हैं। देखो एक मित्र दूसरे के मित्र में सब कुछ जानता है, जानता है कि नहीं, एक सखी दूसरे की सखी में सब कुछ, दोनों की बात जानती, अंतरंग बातें भी सखी एक दूसरे की सखी की जानती है, और मित्र दोनों एक अंतरंग बातें जो और किसी को नहीं मालूम केवल उन्हीं दोनों को मालूम। ऐसे ही संत और परमात्मा दोनों सखा हैं, वो उनकी बात जानते हैं और हम उनकी बात। अम्बरीश और दुर्वासा के प्रसंग में भागवत में आगे प्रसंग आएगा, और ये भगवान ने दुर्वासा से कहा, हे बाबा जी साधवो हृदयम मह्यम, बोले साधु मेरा हृदय है, साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय, और हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात को जानते हैं। तो जो मित्र एक दूसरे का मित्र है, जो उसकी दिल, और वो अपने किसी मित्र की बात को अगर बताएगा तो वो सही सही बताएगा और सत्य सत्य बताएगा। दूसरा कोई लाग लपेट कर भी सकता है, लेकिन जो मित्र जिस मित्र के बारे में जानता है वो सत्य शत प्रतिशत आपके सामने सही बात रखेगा। तो सत्संग श्रवण करने से हमारा जीव भाव खत्म होता है, और जैसे ही जीव भाव आपका समाप्त हुआ, जैसे ही मल स्वच्छ हुआ, वैसे ही आप आत्मभाव में आ जाते हैं। और जैसे ही आप आत्मभाव में आए, और आत्मभाव का अर्थ है आप आत्म साक्षात्कार, आत्मभाव में आने का ही अर्थ आत्म साक्षात्कार हो जाना, आपको बोध हो जाना, आप बोधगम में हो गए, बोध हो गया आपको, आप अपने स्वरूप को पा गए, आपने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, इसी को कहते हैं आप आत्मभाव में। जैसे ही आते आप में तुरंत परमात्मा का भाव आ जाता है और आप परमात्मा, इसीलिए संतों के साथ भगवान शब्द जोड़ा जाता है। जय जय श्री राधे, संतों के साथ एक भगवान शब्द जोड़ा गया। आप कभी इस पर चर्चा कीजिए, कभी विचार कीजिए, मनन क्यों जोड़ा जाता है, जब संत भगवान नहीं है, आप जैसा ही है, हम आप जैसे हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं, अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए कोई अंतर नहीं, आप भी पंच तत्व को हो, मैं भी पंच तत्व का हूं,
आपके शरीर में भी श्वास और प्राण चल रहा है, मेरे शरीर में भी चल रहा है, आपकी भी नेत्रों में ज्योति है, मेरे भी नेत्रों में ज्योति है। आप देखेंगे समूचा का समूचा तत्व की दृष्टि से विचार करेंगे, मुझ में और आप में कोई अंतर, आप भी त्रिगुणात्मक हैं, मैं भी त्रिगुणात्मक हूँ, बताइए इसमें कोई अंतर है? हम में और आप में कोई तत्व की दृष्टि से, आप भी पंच तत्व के, हम भी पंच तत्व के, आपकी आँखें देखने का काम करती हैं, मेरी भी आँखें देखने का ही काम, ये नहीं कि सुनने का काम, मेरे कान भी सुनने का काम करते हैं, आपकी कान भी, सब आप जितनी भी आपके अंग प्रत्यंग हैं सब एक जैसा काम का करते हैं, तो हम तात्विक दृष्टि से सभी एक हैं, और सबके अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा है वो भी सबके अंदर एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जब इस प्रकार का आत्मभाव मनुष्य में आ जाता है तो ऐसे ही महात्मा जब साधना करने लगता है और ईश्वर से जुड़ता है, कई बार जब हम दीक्षा देते हैं तो लोगों को समझाते हैं और उस मंत्र की व्याख्या भी करते हैं और लंबी व्याख्या करते हैं जिससे शिष्य की समझ में ये बात समझ में आ जानी चाहिए। संत भगवान का जब आप नाम का ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जैसे आप सितार आपने देखा होगा, तानपुरा आपने देखा होगा, उसमें तार लगे हुए होते हैं और तारों पर जब हम अपनी उंगलियां फिराते हैं तो उन तारों में जो झंकार है वो प्रस्फुट होती है और झंकरित होती है। ऐसे ही जो आपको गुरु प्रदत्त नाम मिला हुआ है, दीक्षा मंत्र नाम मिला हुआ, और आप जब उसका स्मरण करते हैं प्रातःकाल बैठकर आसन पर बैठकर, जो भी जिसका मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, तो बड़ी ये में प्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया, जब आप इस प्रकार से नाम जपते हैं, आपके जिन योगी षट चक्रों की बात करते हैं, षट चक्रों की जो योगी लोग बात करते हैं, जब ये नाम जपते हैं, जो आपके षट चक्र हैं शरीर के अंदर, उन पर ये नाम जाकर जैसे आप तारों पर उंगली फेरते हैं झंकृत होता है, उस नाम रूपी उंगली से हमारे षट चक्र झंकृत होने लगते हैं। और जब इस प्रकार से नाम जब करते करते हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, ये जैसे जैसे शुद्ध होने लगते हैं, आपका परमात्मा में प्रेम होने लगता है, यानी जो पावर है, जो शक्ति है भगवान, उससे जब हमारा ध्यान जुड़ता है तो आप देखते हैं जब चार्जर आप प्लग में लगा देते हैं तो आपकी मोबाइल बैटरी में विद्युत चार्ज आने वहाँ से ट्रांसफर होने लगती है। ऐसे ईश्वर रूपी जो शक्ति है और उसमें हम जब ध्यान लगाते हैं और नाम जप करते हैं तो ईश्वर की जो शक्ति है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगती है, इसलिए ध्यान किया जाता है, इसलिए नाम जप किया। नाम जप करना, ध्यान करना कोई भेड़ चाल नहीं है कि उसने ले लिया तो मैं मिलूँ ना, अरे ये तो बड़ी रचनात्मक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक ये चीज़ें हैं कि आप इसलिए इसको नाम लेते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारा अहम शुद्ध हो। जब ये चारों अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा, आपका जो हृदय है एकदम प्रेम से लबालब भरने लगेगा। आप कभी देखिए, अनुभव कीजिए इन चीज़ों को, जितनी संसार की ये जो भावनाएँ हैं, जो विचार हैं, अपने आप ये त्रोहित होने लगते हैं, अपने आप जाने लगते हैं, इन्हें भगाना नहीं पड़ता ना, वो अपने आप कहते हैं भाई ये दूसरे लोग कहाँ से आ गए यहाँ, वो अपने आप भागने लगते हैं, अपने आप जाते हैं। हम तो लोग कहते हैं केवल आपका मन नहीं लगता, कोई चिंता मत करो, केवल जाप करो, एक दिन इसी के प्रभाव से आपका हृदय शुद्ध हो जाए, नाम जप हो जाए। तो संत के साथ भगवान क्यों जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया कि संत साधना करता है, संत का जो लीला कर्म है, दैनिकचर्या है, वो परमात्मा जैसी हो जाती है, ईश्वर जैसी। ईश्वर की कभी दैनिकचर्या को आप मिलाएं और संतों की दैनिकचर्या को मिलाएं तो आप उसे समानता दिखाई, और ग्रस्तों में होता है भगत, वो भक्ति करता है इसलिए उसको लोग भगत, तो उसकी भी दैनिकचर्याएं आप देखिए, किसी से राग द्वेष नहीं करता, सबके प्रति समान, और भगवान भी किसी से राग द्वेष नहीं करता। भगवान कैसे? निर्वैर। भगवान को क्या बताया गया? बोले निर्वैर हैं आप, भगवान किसी से वैर नहीं रखते, और जिन्होंने वैर रखा भगवान से, भगवान ने उनको भी वही धाम दिया जो भक्तों को दिया, तो भगवान निर्वैर हैं कि नहीं? ये भगवान की, देखिए ये भगवान की निर्वैरता है। और बहुत से रावण ने, रावण जानता था कि ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका वही जय विजय पहरेदार हूँ, ऋषियों के शाप के कारण मैं रावण बना हूँ, वो जानते थे, लेकिन मेरी असुर वृत्ति होने के कारण
मेरा जीवन, मेरी मनोवृत्ति जो इस संसार में लगी हुई है, इसलिए मेरा चित्र राम में जब ही लगेगा जब मैं बैर रखूंगा। और भजन में बड़ा समय लगेगा, होए भजन नहीं तामस देहा, रावण कहता। रावण जानता था कि मुझसे भजन नहीं हो, और मेरा परिवार है मेरी तरह, सुरा सुंदरी वाले ही लोग हैं सब, और इनसे भजन हो नहीं सकता। इसलिए रावण ने किसी की बात को नहीं माना, क्योंकि रावण समय पूरे परिवार का कल्याण चाहता था। रावण अपने पूरे परिवार का कल्याण चाहता था। वृत्ति अलग अलग है, शैली अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं। कौन भक्त कैसे ईश्वर की ओर जाना चाहता है, कोई प्रेम से जाता है, कोई वैर से जाता है, कोई यज्ञ के माध्यम से जाता है, कोई सेवा के माध्यम से जाता है। कहें कबीर कर्म के फेरे, नदी एक घाट बहुत है। नदी एक है, ईश्वर एक है, एका माई, नानक जी कहते एक ईश्वर है। एका माई जुगत भी आई, तीन चेले परवा, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी। ईश्वर एक है, परमात्मा एक। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो संतों को जब साधना करता है, ऐसे ग्रत साधना करता है, तो लोग ही कहने लगते हैं कि महाराज आप में भगवान जैसे गुणों का आविर्भाव हो गया है। भक्त कहने लगता है आप संत भगवान हैं, यानी आप भगवान के समान हैं, भगवान जैसे आप में गुण आ गए। जिस किसी में जिस जैसे गुण आ जाते हैं हम उसको वैसा ही कहने लगते हैं। अब अमिताभ बच्चन जैसे कोई बालक बाल कटवा लेता है, उसकी शक्ल जैसी हेयर स्टाइल बना ले, तो आप कहते हैं यार अमिताभ बच्चन जैसा लग रहा है, अमिताभ जैसी इसने कॉपी की हुई है, तो उसमें गुण जैसे आए लोग वो कहना शुरू कर देते हैं। कहने जी यही बात है। तो वैसे ही संत को भगवान इसलिए कहा जाता है कि उसमें भगवान का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, सत शास्त्रों की कथा सुनता है, सत शास्त्रों की कथा सुनने के बाद में उसके गुणों में जो आविर्भाव जो अवतरण होता है वो भगवान जैसा हो जाता है वृत्तियां उसकी। तो इसलिए लोग कहते हैं आप संत भगवान हैं, जबकि वो भगवान होता नहीं है। और एक दृष्टि से भगवान भी होता है, क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश है। आप में भी, आप भी भगवान है सब, क्योंकि आप में भी सबका ईश्वर, इसमें तो पूरा विश्व भगवान है देखा जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने श्री सीताराम जी शम में दिखाई देते हैं। कबीर साहब कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंद। ज्ञानी कहता है जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। ये लक्षण है ज्ञान के, विवेक के, जो इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान का ये शिखर है, उच्च शिखर है, और उच्च शिखर पर जो भी पहुंच जाता है उसको सबको ऐसा ही दिखने लगता है जैसा नानक को देखा, जैसा तुलसी को देखा, जैसा कबीर को देखा, जैसा इन महापुरुषों को देखा, जैसा शेख फरीद को देखा, बुल्ले शाह को देखा, वैसा ही सबको दिखने। आप उस शिखर पर पहुंचिए, और जब उस शिखर पर आप पहुँच जाएंगे तो ये सारी शंकाएँ आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस शिखर पर पहुँचो तब, नहीं तो शंकाएं बनी रहेंगी। शंकाओं का समाधान सत्संग में होता है। सत्संग में इसलिए आना चाहिए कि मन में पता नहीं तुम्हारे प्रश्न क्या है, उस सत्संग में उसका उत्तर मिल जाता है, बिना कहीं मिल जाएगा। ये शिष्य को सत्संग कहते हैं। आज महात्मा जी आए हमारे, बड़े विद्वान परम न्याय के व्याकरण के थे, बड़े सरल हैं। तो आज हमारी चर्चा सुबह प्रातःकाल उनसे होती रही, तो हम लोग आपस में चर्चाएँ कर, संतों की चर्चा संतों जैसी होती है, आपसे मिलते हैं तो आप जैसी चर्चा होती है, आप मिलते हैं घर ग्रस्त की चर्चा होती है, संत मिलते हैं भगवंत की चर्चा होती है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि महाराज कथा राम और कृष्ण की नहीं, कथा तो हमारी स्वयं की है। आप जितने भी श्रोता हैं हमें, हमारी कथा और आपकी कथा होगी। राम और कृष्ण के निभाने से हम लोग कथाओं को सुनते, कथा तो हमारी और आपकी सबकी है। और आप सुनते सुनते भी कहते हैं आपको लगता है आज तो हमारे ऊपर महाराज जी ने कथा की। कई सत्संग में लोग कहते हैं महाराज ये बात तो आज आपने हमारी कह दी,
इसका मतलब कथा आपकी हमारी सबकी है, इसमें राम की और कृष्ण की कथा नहीं। बड़ा सुंदर हमें लगा कि वास्तव में ऐसा श्रोता अगर समझ करके बैठता है कि कथा हमारी ही होगी तो हमको अपनी गलतियों का ज्ञान होता है, अच्छाइयों का आभास होता है, अपने अवगुणों का ज्ञान होता है, गुणों का ज्ञान होता है, तुलनात्मक हमारे जीवन का पूरा विश्लेषण होता है, समीक्षा होती है हमारी। जय जय श्री।